मसूरी में ईद मिलन समारोह के दौरान भाईचारे की एक अलग तस्वीर देखने को मिली है, जहां हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कार्यक्रम में बैठकर ओम नमः शिवाय पाठ का जाप किया। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर समाज की बेहतरी के लिए अपने विचारों को भी व्यक्त किया। मसूरी व्यापार मंडल ने एक होटल में ईद मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इसके साथ ही इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी किया गया। मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में समाज के सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर ओम नमः शिवाय के पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हिंदू भाइयों का साथ दिया। देखिए, आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, हमारी संस्था द्वारा, पूर्व की भांति जैसे हम कार्यक्रम करते आए, आज भी वरिष्ठ नागरिकों को और बुद्धिजीवी लोगों को सम्मानित करने का कार्य करा गया, उसमें जिसमें करीब 30 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। साथ में उनके साथ बैठ के शहर की बेहतरी के लिए विचार विमर्श हुए और एक आपसी प्रेम बढ़ाने की एक बात हमने आगे रखी, जिसको सबने मिलकर बहुत बहुत प्यार से आगे बढ़ाया और साथ मिलजुल कर आज का कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।